अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई एन क्यू। तो आज की जो अपडेट है वो है प्रेस रिलीज़। जैसा कि आपको मालूम है कि 22 जुलाई बरोज़ हफ्ता पंजाब कैबिनेट का एक इजलास हुआ, जिसमें सरकारी मुलाज़मीन के लिए जो है बहुत ही अच्छा फ़ैसला आया तनख्वाह के हवाले से, जो उन्होंने एहतजाज किया था। तो उसमें दो मुतालबात तो मंजूर किए गए, तो एक मुतालबा जो है वो भी इंशाल्लाह बाकी है लीव इनकैशमेंट का, और गालिब इम्कान और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। लेकिन जो कैबिनेट में तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से जो मंजूरी हुई, तो नोटिफिकेशन जो है उसका इंतज़ार है, क्योंकि कल तो संडे था, छुट्टी थी, और आज मंडे है। तो एक प्रेस रिलीज़ जो है वो भी जारी किया गया है, तो वो प्रेस रिलीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ है। वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करने जा रहा हूँ, और मज़ीद अगर नोटिफिकेशन जिस तरह की कोई भी अपडेट आती है तो वो भी जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के ऊपर वक्तन फक्तन जो है आपके साथ शेयर की जाती है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये प्रेस रिलीज़ जो है, एक्चुअली ये जो कल एक मुलाकात हुई PM के जो असिस्टेंट हैं यानी मशीर वज़ीर आज़म जो हैं अहमद ख़ान साहब, उनसे अगैगा और एपका के जो कैदीन हैं उनकी, तो वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि आज बरोज़ एतवार पंजाब के मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा करने की समरी मंजूर करवाने पर अगैगा पंजाब और पाकिस्तान की क्यादत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर मलिक अहमद ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करने कसूर इनके डेरे पर एक वफ्द की सूरत में गए। इस वफ्द में अगैगा के कैद खालिद जवेद संगेड़ा, रहमान अली बाजवा साहब, जफ़र अली ख़ान साहब, मैडम रुखसाना साहिबा, चौधरी मुख्तियार अहमद गुज्जर, मार यासीन वगैरह, और पंजाब लाइफ स्टॉक एम्प्लॉज एसोसिएशन की तरफ से सरदार मकबूल डोगर साहब, हाजी मंजूर अहमद साहब और मोहम्मद अनवर ने खसूसी तौर पर शरीक हुए, और मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मलिक अहमद ख़ान साहब वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया, और मलिक अहमद ख़ान साहब को फूलों के हार पहनाए और फूलों की पत्तियाँ निछावर की। इस मौके पर मलिक अहमद ख़ान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि पंजाब मुलाज़मीन इनके बच्चों की तरह हैं, लिहाजा मुलाज़मीन इनके बच्चों और इनके ख़ानदानों को बेजार और मददगार नहीं छोड़ सकते। मलिक अहमद ख़ान मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब्दुल गफ्फार ख़ान, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्रेस रिलीज़ है, एक तो ये है, और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ इसके अलावा कि उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उसी तरह जो है वो मसला हल करवाया जाएगा लीव इनकैशमेंट का भी, जिस तरह तनख्वाहों का मसला हल करवाया गया है। तो वीवर्स, जो ही कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं इस मामले में जो भी अपडेट होगी वो शेयर करूँगा। तो इसी अपडेट के साथ जो है इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।